हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और एसक्यूएल व्यू में कैसे कैसे हम काम करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लेता हूँ। ये 2007 मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आपके पास जो भी वर्जन हो, अगर 2007 से ज्यादा है, अधिक का है, 2021 है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, तब तो और भी ज्यादा कन्वीनियंट आपके लिए हो जाएगा। फिलहाल मैं इसी पे बताता हूँ क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास यही मौजूद है। तो यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है और यहाँ से क्रिएट पे करना है क्लिक। अगर आपके पास कोई एसक्यूएल सर्वर या माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर हो तो और आसानी से ये काम किया जा सकता है। तो फिलहाल मैं इसी तरीके से डेटाबेस क्रिएट करा लेता हूँ और अब हमें इस टेबल को क्लोज कर देना है। टेबल को क्लोज करते ही यहाँ से क्रिएट पे जाके क्वेरी डिजाइन पे आना है और यहाँ से इसको भी क्लोज कर देना और एसक्यूएल पर चले चलना है, क्योंकि जो भी हम टेबल बनाएंगे वो सारा कुछ विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। तो यहां से बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल। इस तरीके से आपको लिख देना है क्रिएट टेबल, और क्रिएट टेबल लिखने के बाद यहां पर टेबल का नाम देना है। लाइक जैसे मैं दे देता हूं स्टूडेंट आर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है, ये दे दिया। अब यहां पर कौन कौन से फील्ड्स आएंगे, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, तो जब भी लिखेगा अंडरस्कोर लगा के लिखेगा, नेम ऑफ, नेम और ऑफ के बीच में अंडरस्कोर लगाया है, ठीक है ना। स्टूडेंट, तो ये देख सकते हैं इस तरीके से नेम और ऑफ और स्टूडेंट और ऑफ के बीच में अंडरस्कोर लगा दिया। नेम ऑफ स्टूडेंट टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप होगा। आप यहां पर चाहे अगर आप एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हो तो वेयर केयर मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से, ये वेयर केयर हो जाएगा। और यहां पे 40-50 जितना कैरेक्टर आपको एंटर करवाना हो वो यहां पे दे सकते हैं। कॉमा देकर के नीचे आइएगा, जैसे नीचे आएंगे तो यहां पर आप सब्जेक्ट मेंशन करते चलते हैं। तो यहां पे लिखा मैंने कंप्यूटर, तो पहला सब्जेक्ट हो गया कंप्यूटर। इसका डेटा टाइप आप इंटीजर भी रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, तो फिलहाल मैं नंबर ही रख लेता हूं, तो ये नंबर कर दिया, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नंबर ही यूज करेंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो रख देता हूं इंग्लिश, ये इंग्लिश रखा। और फिर यहां पर भी हमने क्या मेंशन कर दिया, नंबर डेटा टाइप, तो ये नंबर डेटा टाइप मेंशन कर दिया। अगर आप एसक्यूएल सर्वर यूज करते होंगे तो उसमें आपको फ्लोट दिखेगा, इंट दिखेगा, और भी डेटा टाइप दिख सकते हैं। तो यहां पर फिलहाल मैंने नंबर रखा है, आप चाहे तो इंट भी रख सकते हैं, ठीक है, या फ्लोट भी रख सकते हैं। यहां पे कर दिया मैंने थर्ड सब्जेक्ट लाइक बायो बीआईओ, और यहां पे कर देता हूं नंबर डेटा टाइप। तो ये नंबर डेटा टाइप करने के बाद कॉमा देके नीचे आइए, फिर केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये लिखा केमिस्ट्री इस तरीके से, और यहां पर आप चाहे तो नंबर रख सकते हैं या इंटीजर दोनों, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। एंटर करके नीचे आइए, जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे फिजिक्स, तो पी एच वाई एस आई सी एस फिजिक्स किया हमने, और यहाँ पे नंबर डेटा टाइप में कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये सारा ही डेटा एंटर हो चुका है। ब्रैकेट को करिएगा क्लोज, यानी ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट आपने ओपन किया था उसी को करना है क्लोज, और यहाँ से रन पे क्लिक करना है और आपका काम हो जाएगा, टेबल आपकी बन जाएगी। तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, देखिए टेबल बन गई, यहाँ पे देख सकते हैं टेबल बनी हुई है, लेकिन क्या इसमें कोई रिकॉर्ड फिल हुआ है, नहीं हुआ है, तो ये कैसे फिल होगा, तो उसी के बारे में चलिए जानते हैं कि ये रिकॉर्ड हम कैसे फिल करेंगे। तो इस टेबल को मैं ऑफ करता हूं यहां से, ठीक है। अब यहां पर ये क्वेरी दिख रही है, इस क्वेरी को सेव करना जरूरी है, तो स्टूडेंट क्यू के नाम से मैं इसे सेव कर देता हूं, स्टूडेंट क्यू, ठीक है ना। इसको मैंने सेव कर दिया। अब इस क्वेरी को भी क्लोज कर देते हैं, इसका कोई अभी काम नहीं है। अब यहां से आते हैं, न्यू क्वेरी बनाएंगे, तो यहां पर काफी आसान हो जाता है, लेकिन आप अगर माई एसक्यूएल यूज करते हैं तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वैसे मैं माई एसक्यूएल पर भी आपको दिखाता ही हूं कि कैसे ये बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर अब आ गए हैं, अब यहां पर करना क्या है हमको, हमारी टेबल बन गई है लेकिन उसके अंदर रिकॉर्ड्स हमें इंसर्ट कराने हैं। रिकॉर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी रिकॉर्ड फिल नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप, एकदम ऐसे ही पड़ा हुआ है ये। तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट जो पहला फील्ड है उसका नाम है नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आते हैं, दूसरी क्वेरी बनाएंगे, तो यहाँ पर ये क्वेरी बना रहा है, यही तो क्वेरी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बनाने के लिए, यहाँ पर हमें लिखना है इंसर्ट इस तरीके से, इंसर्ट इंटू कमांड का प्रयोग करना है और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है। और इंसर्ट इंटू कमांड लगाने के बाद यहाँ पर हमें क्या देना है, यहाँ पर फील्ड का नाम देना है, ठीक है ना, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ दे दिया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट इस तरीके से, ठीक है। दूसरा जो फील्ड है उसका नाम है, यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार क्या नाम दिया गया है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट के बाद है आपका कंप्यूटर इंग्लिश बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है, तो वही हमें दे देना है। तो यहाँ पे बायो कॉमा केमिस्ट्री कॉमा फिजिक्स इस तरीके से आपको दे देना है, ठीक है ना। और यहां पर कंप्यूटर भी है और इंग्लिश भी है, तो ये दोनों भी, ये सब्जेक्ट का सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है,
ठीक है, लेकिन अच्छा होगा कि उसी सीक्वेंस में लिखा जाए, कहीं अगर मिस्टेक हो जाती है तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो सीक्वेंस एक बार चेक कर लीजिएगा, उसी सीक्वेंस में लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले कंप्यूटर फिर इंग्लिश, ठीक है, तो पहले लिख देते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर इंग्लिश ENGLISH कॉमा, अगला क्या है यहाँ पे चेक कर लीजिए, तो अगला है हमारा बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, तो यहाँ पे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स भी दे देते हैं, तो ये बायो लिखा CHEMISTRY केमिस्ट्री कॉमा फिजिक्स PHYSICS, तो ये सब कुछ दे देने के बाद इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, कुछ नहीं करना, एंटर करके नीचे आ जाइए, यहाँ पे दे दीजिएगा वैल्यूज, ठीक है ना, तो ये दे दिया वैल्यूज, आपको वैल्यूज ही लिखना है, और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट सिंगल रोटेट कॉमा के अंदर लिखेगा, सिंगल रोटेट कॉमा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने दे दिया राम कॉमा दे दिया, और फिर यहाँ पे कंप्यूटर के मार्क्स आएंगे, तो यहाँ पर कोई भी डबल रोटेट कॉमा या सिंगल रोटेट कॉमा मार्क्स देते समय आपको नहीं देना, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो ये हमने दे दिया है कंप्यूटर का और इंग्लिश का मार्क्स, और यहाँ पर बायो का दे दिया, फिर यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है वो देते चलेंगे, तो ये दे दिया हमने, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनेशन देना है, और अब टेबल का नाम भी देना होगा आपको, ये बात ध्यान रखनी है, तो ये स्टूडेंट आर करके हमने जो टेबल बनाई थी उसका भी नाम दे दीजिएगा, और बस ये हो गया है, अब यहाँ से इसको रन करवा दीजिएगा, ये लिखा हुआ आ रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, ठीक है ना, तो बस आप इसमें अंडो कमांड नहीं होता है कि इसको आप चेंज कर सके, तो बस यहाँ से ओके कर दीजिए, ये काम हो गया है, एक बार चलते हैं इसको ऑफ कर देते हैं, ये जो पहले से टेबल ओपन है, बाकी ये तो क्वेरी हमने बनाई अभी, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें रिकॉर्ड फिल हो गए हैं, ठीक है ना, अगर मान लीजिए दूसरा रिकॉर्ड फिल करना हो तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसमें खाली चेंज कर दीजिए, क्योंकि इसमें अंडो कमांड होता नहीं है, तो यहाँ पर आप खाली जाएंगे और यहाँ पे दूसरा नाम लिख दीजिए श्याम, अब ऐसा नहीं है कि पहला वाला हट जाएगा, पहला वाला बना रहेगा और दूसरा वाला यहीं पर लगाने से हटा देने से इसको दूसरा वाला भी आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जिनका जितना नंबर है उतना दे देता हूँ, बाकी यहाँ से फिर वापिस से जाकर के आपको क्या करना है, रन करवा देना है, टेबल को क्लोज करके मैं यहाँ से रन करवा देता हूँ, तो ये रन हो गया, तो ये कह रहा है वन रो को फिर आप अपेंड करने वाले हैं, तो ये देखिए ये वन रो दो बार अपेंड हुआ और यहाँ पे दोनों नाम आपके आ चुके हैं, आई होप की बात क्लियर हुई होगी कि ये क्वेरी कैसे बनानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरी रो को अपेंड करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने एक और नाम, ठीक है, जैसे मान लीजिए लिख देता हूँ परवेज, ये लिखा इस तरीके से, और यहाँ पे मार्क्स जो है इसमें आप चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से हटा दीजिए इसको, 56 कर दीजिए, 67 को कुछ और बना दीजिए, यहाँ 87 बना देता हूँ मैं, या कुछ ऐसे 89 बना देता हूँ, अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ से चेंज करते हैं, तो ये फिर कहेगा यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, तो बस ये हो गया काम, अब इसको ऑफ कर दीजिए ये जो ओपन है, और यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो देखिए तीन नाम यहाँ पे आ गए हैं, देख सकते हैं ना, ये तो आपने देख लिया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इस चीज को एसक्यूएल व्यू में लेकर के कैसे कैसे कर सकते हैं हम, लेकिन माई एसक्यूएल में क्या कहानी होगी इसके बारे में हम अभी नहीं देख पाए हैं, तो चलिए अब माई एसक्यूएल में देखते हैं, कंपेयर करके देखते हैं दोनों में क्या कहानी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये माई एसक्यूएल में मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पर अब हमें एक डेटाबेस बनाना है, तो एक्सेस में डेटाबेस बनाने का तरीका अलग था, यहाँ पर डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ आप लिखिएगा क्रिएट डेटाबेस, इस तरीके से लिखिएगा क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ डेटाबेस का नाम देना है आपको, ठीक है ना, जैसे मैंने स्टूडेंट आर दिया था, तो यहाँ पे स्टूडेंट आर देकर के यहाँ से टर्मिनेट करना है, और एंटर जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे इस तरीके से ये लिखा हुआ आ जाएगा क्वेरी वन वन रो अफेक्टेड, यानी कि डेटाबेस आपका बन गया, हमें इस डेटाबेस का यूज करना है, एक कीवर्ड आता है, एक कमांड आता है यूज, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यूज इस तरीके से करके, और किस किस डेटाबेस का यूज करना है, स्टूडेंट आर, तो ये लिख दीजिएगा स्टूडेंट आर, और यहाँ पे इस तरीके से टर्मिनेट करके आ जाइएगा, तो डेटाबेस हमारा चेंज हो गया, ठीक है ना। अब इस डेटाबेस में हमें एक टेबल बनाना है, तो जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में लिखते थे क्रिएट टेबल, उसी तरीके से यहाँ पे लिख दीजिएगा क्रिएट टेबल, लिख दिया क्रिएट टेबल, लिखने के बाद टेबल का नाम देना है, जैसे मान लीजिए हमारा टेबल जो है स्टूडेंट आर टी नाम से है, आर टी, ठीक है ना, तो ये हमने दे दिया स्टूडेंट आर टी, यानी टेबल का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट आर टी हो गया, क्लियर, टेबल का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट आर टी हो गया, स्टूडेंट आर टी देने के बाद अब आपको क्या करना है, अब यहां पर जैसे ही स्टूडेंट आर टी देते हैं आप, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा और यहां पर कर दीजिएगा एंटर, ठीक है, आप नीचे आकर के वैल्यूज भी दे सकते हैं, तो वैल्यूज लिख करके भी दिया जा सकता है, ऐसे भी जा सकते हैं आप, ठीक है ना, तो सिंपल तरीका, एकदम आसान तरीका, आसान भाषा में बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, यहां पर सीधा सीधा मैं लिख देता हूं रोल नंबर, तो ये लिखा रोल अंडरस्कोर नंबर, इस तरीके से, तो यहाँ स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाता है, ठीक है ना, और रोल नंबर कौन सा डेटा टाइप होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट, इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप को इंट ही लिखा जाता है, कॉमा देंगे, कॉमा देकर के नीचे आएंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे,
जैसे ही एंटर करेंगे तो आप दूसरी फील्ड एंटर करवा दीजिए, यानी नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये लिखा नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है, तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट्स, हो गया। अब यहां पर ये वेयर केयर डेटा टाइप अक्सर लिखा जाता है, इसे वेयर केयर डेटा टाइप के रूप में हम अक्सर लिखते हैं, आप चाहे तो वेयर केयर लिख सकते हैं या कोई और डेटा टाइप भी यहां पे दे सकते हैं, तो चलिए वेयर केयर फिलहाल लिख देता हूं मैं, जैसा कि आपने एक्सेस में देखा था, ठीक है ना। तो यहां पे वेयर केयर लिख दिया हमने और यहां पे साइज रख दी इसकी 40, अगर कोई और फील्ड डालनी हो तो यहां पे डाल सकते हैं, जैसे मार्क्स या कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी जैसे वहां पे डाला था, तो यहां पे इंग्लिश कर देता हूं पहले, ठीक है, ENGLISH, ये हो गया इंग्लिश, ठीक है ना। और ये मार्क्स आएंगे तो यहाँ पे भी इंटीजर डेटा टाइप आप चाहे तो रख सकते हैं, क्लियर है ना, यहां तक आई होप की चीजें क्लियर हुई होंगी। अब दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पे लेके आना है तो फिर वापस से कॉमा लगा करके एंटर कर दीजिए, यहाँ पे कर देता हूँ कंप्यूटर, ठीक है ना, तो ये कंप्यूटर का भी मार्क्स आ जाएगा और इसका भी डेटा टाइप इंटीजर ही रख लेने वाले हैं हम, तो ये इंटीजर रख लिया, यानी दो सब्जेक्ट का यहाँ पे मार्क्स हमने एंटर करवा दिया है। अब तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स की बात करते हैं तो कॉमा लगा दीजिए, यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, तो जैसे मान लीजिए तीसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो फिजिक्स कर दिया यहाँ पे, और फिजिक्स करने के बाद यहाँ पे ये भी इंटीजर डेटा टाइप होगा, तो यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप आपको मेंशन कर देना है इस तरीके से, समझ में आई बात। उम्मीद करता हूँ कि यहां तक बातें क्लियर हुई होगी आपको कि ये कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। जब इसको एंड करना होगा, जब इसको खत्म करना होगा, तो लास्ट में आपको कोई कॉमा नहीं देना है, एंटर करके नीचे आना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और यहां से टर्मिनेट कर देना, यही आपको करना है। और जैसे ही एंटर करेंगे आप तो यहां पर ये इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड, ठीक है ना। और यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन कमांड का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, डिस्क्रिप्शन, ताकि देखने के लिए, ताकि कि क्या क्या हमारा बना हुआ है, फील्ड हमने क्या क्या चूज किया था, क्या क्या हमने लिया हुआ है, इसको देखने के लिए DESC कमांड का प्रयोग हमें करना होगा, ठीक है ना। तो आप लिखिएगा यहाँ पे DESC, ठीक है, ऐसे लिख करके, और यहाँ जो हमारा टेबल था उस टेबल का नाम देना है, हमने टेबल का नाम दिया था क्या, स्टूडेंट RT, तो वही दे देना है आपको यहाँ पे, ये लिख दीजिएगा स्टूडेंट और इस तरीके से लिखिएगा RT, ठीक है, RT, ये लिख दिया। और ये लिखने के बाद करना क्या होगा हमें, कैसे कैसे ये आएगा, तो स्टूडेंट RT जैसे ही आप लिखते हैं तो यहाँ पर आपको टर्मिनेशन देना, यानी सेमी कोलन दे देना और एंटर कर देना। तो देखिए जो जो आपने फील्ड डाले थे वो सारे ही आपके सामने हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपको रिकॉर्ड अगर इंसर्ट कराने हैं तो इंसर्ट इनटू कमांड का प्रयोग आप कर सकते हैं, इजीली ये हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अब रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट कराएंगे थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, ये भी एक क्वेश्चन रहता है। तो यहां पर जो है लिखिएगा इंसर्ट इनटू, इस तरीके से लिख दीजिएगा इंसर्ट इनटू, ये लिख दिया इंसर्ट इनटू, और यहां पर किसके अंदर इंसर्ट कराएंगे, तो टेबल का नाम हमारे क्या है, जो भी टेबल का नाम है वो टेबल का नाम हम देंगे, तो हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट RT, तो यहां पर लिख दिया स्टूडेंट RT, ठीक है ना। इस तरीके से हम स्टूडेंट RT लिख देंगे, यहां पे RT है, ये RT हो गया, ठीक है। और स्टूडेंट RT लिखने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल वे में जैसे ही स्टूडेंट RT लिखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पर चीजों को डालते जाइएगा, जैसे मान लीजिए पहला फील्ड हमारा था रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई प्राइमरी की नहीं बनाया है, आप चाहे तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे वीडियोज में मैंने दिखाया भी है कैसे यूज करना है। तो ये लिखा रोल नंबर, पहला फील्ड था रोल नंबर, दूसरा फील्ड क्या था, कॉमा देंगे, दूसरे फील्ड का नाम यहाँ पे दे देंगे, तो दूसरा फील्ड है हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट दे देते हैं, तो ये लिखते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, तो इस तरीके से नेम ऑफ स्टूडेंट जो है दूसरा फील्ड है, ध्यान दीजिएगा कैपिटल स्मॉल का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट दूसरा फील्ड, तीसरा फील्ड है इंग्लिश, तो यहाँ कॉमा लगा करके इंग्लिश दे दीजिएगा इस तरीके से, और फिर कॉमा लगाइएगा, फिर यहाँ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर यहाँ पे देख सकते हैं सी कैपिटल है, तो यहाँ पे कंप्यूटर इस तरीके से लिख देना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटर, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ फिजिक्स देंगे, फिजिक्स, क्लियर। तो ये फिजिक्स दे दिया, और फिजिक्स देने के बाद क्या करना है आपको, जैसे ही फिजिक्स देते हैं तो यहां पर अब आपको देना है ब्रैकेट को क्लोज करना है, क्योंकि अब तो कोई फील्ड और बची नहीं हमारे पास, तो ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और इसमें वैल्यूज भी डालनी होंगी हमें, तो यहां पर हम वैल्यूज लिख देते हैं, वैल्यूज, ठीक है ना, मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी बताया था ऐसे ही करने के लिए। तो यहां पर अब वैल्यूज लाइन से डालते चलेंगे हम, ठीक है। तो यहां ब्रैकेट को ओपन कर लिया, स्मॉल ब्रैकेट को, यहां पे लिखेंगे 1, यानी रोल नंबर 1 की बात हो रही है, जिसका नाम है राम, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहां पर जो राम मैं लिखूंगा उसको कैसे मैं लिख रहा हूं, इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है।
तो यहां पे सिंगल रोटेटेड कॉमा के अंदर लिखना है, ठीक है, आर ए एम, ये सिंगल रोटेटेड कॉमा के अंदर लिख दिया, ठीक है ना, फिर कॉमा लगाया, अब क्या करना है, अब नंबर देना है, तो नंबर यहां पे दे दिया, फिर कॉमा लगाया, यहां पर कोई डबल रोटेटेड कॉमा या सिंगल रोटेटेड कॉमा आपको नहीं देना है नंबर लिखते समय, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स हमने एंटर करवा दिए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करना है, सारी चीजें एंटर करवाने के बाद आपको सिंपली यहां पे ब्रैकेट को क्लोज करना होगा, तो ब्रैकेट को हम चलते हैं क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद लास्ट में क्या करना है, जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो टर्मिनेट कर दीजिएगा, ये हो गया टर्मिनेशन, ठीक है। और यहां पर अब आपको प्रेस करना है एंटर, सारी चीजें अगर ठीक ठाक है तो एंटर करने पे ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट, तो नेम ऑफ स्टूडेंट लिखते समय क्या गड़बड़ी हुई है, देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट्स में एस था जो कि हमने एस नहीं दिया, जिसके चलते ये दिक्कत हो गई। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर वापस से डीईएससी कमांड यूज कर लेते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट आरटी दे देते हैं, फिर से ही आ जाएगा, ठीक है, एस टी यू डी ई एन टी और स्टूडेंट आर टी कर देते हैं, आर टी, ये किया, ठीक है। इस तरह की दिक्कत आपको भी हो सकती है, तो डोंट वरी, बस आपको चीजों को ध्यान से लिखना है, तो यहाँ लिख दीजिएगा इंसर्ट इनटू, नेम लिखते समय बहुत ध्यान देना है, जिस सीक्वेंस में जिस लेटर्स में लिखा गया वैसे ही आपको लिखना है, नहीं तो आपके साथ में दिक्कत हो सकती है। तो ये लिख दिया नेम ऑफ, और फिर यहाँ देंगे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स का जो एस है वो स्मॉल है और यहाँ स्टूडेंट्स की बात की गई है, तो ये ध्यान रखना है आपको, नेम ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया, कॉमा दे देंगे, फिर यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के नाम है, तो पहला इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना, कॉमा दे दिया, और फिर दूसरा है कंप्यूटर, तो यहाँ पे कंप्यूटर दे देते हैं, तो ये कंप्यूटर हो गया, कॉमा देंगे, तीसरा है फिजिक्स, तो यहाँ फिजिक्स दे देते हैं, फिजिक्स हो गया, ठीक है, और इसको आप बंद कर देते हैं ऐसे, क्लियर, तो अब बंद भी हो गया ये, और बंद होने के बाद क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनेशन देना, टर्मिनेशन, ठीक है, लेकिन टर्मिनेशन अभी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें वैल्यूज भी तो डालनी है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा वैल्यूज, वैल्यूज दे दिया, और वैल्यूज देने के बाद अब आपको क्या करना है, एक एक वैल्यूज को मेंशन कर देना है, जैसे रोल नंबर वन को यहाँ मेंशन कर दिया, स्टूडेंट का नाम आर एम राम था तो यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स को मेंशन करना है 66, 67, 78 जो भी मार्क्स है उसको मेंशन यहाँ पे कर देते हैं, और इसको बंद करके टर्मिनेट करके एंटर जैसे ही करेंगे, देखिए क्वेरी ओके हो गई, वन रो अफेक्टेड हो गया, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, और जैसे ही ये होगा तो फिर अब आपको आगे क्या करना है, कैसे हमें टेबल दिखेगी, टेबल को देखने के लिए आपको करना क्या होगा, टेबल को देखने के लिए आपको लिखना होगा सेलेक्ट कमांड, ठीक है ना, सेलेक्ट कमांड लिखा हमने, और यहाँ पे लगाइएगा एस्टर सिंबल, यानी स्टार वाला सिंबल लगा दीजिएगा, और कहाँ से सेलेक्ट करना है हम, तो सेलेक्ट फ्रॉम, हम हमारे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, इस तरीके से आरटी था तो ये आरटी दे दिया, और इस तरीके से लिख दीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया स्टूडेंट आरटी, और यहां से टर्मिनेट कर दिया एंटर, जैसे ही करेंगे देखिए यही यही नाम लिखे हुए हैं ना, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी।